भारतीय त्योहारों में दीपावली का सर्वाधिक महत्व है। यह हमारे देश का एक प्रमुख सांस्कृतिक एवं धार्मिक त्योहार है। अनेक महापुरुषों की स्मृतियां संजोए हुए यह त्योहार भारतीय जनजीवन को प्रोत्साहित करता है। दीपावली दीपों का त्योहार है, ज्ञान के प्रकाश का पर्व है, तमसो मां ज्योतिर्गमय का संदेश वाहक है। दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है। अंग्रेजी महीनों के हिसाब से यह तिथि कभी अक्टूबर या कभी नवंबर मास में पड़ती है। यह त्योहार किसी न किसी रूप में संपूर्ण भारत में मनाया जाता है। विश्व के किसी भी कोने में जहां भारतीय निवास करते हैं, वहां पर वे इस त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। दीपावली का त्योहार मनाने का रिवाज कब और कैसे आरंभ हुआ, इसके संबंध में विभिन्न कथाएं प्रचलित हैं। कहते हैं कि इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी लंका विजय के पश्चात अयोध्या लौटे थे। इस दिन अयोध्या वासियों ने उमंग एवं उत्साह के साथ दीपकों की जगमगाहट में उनका स्वागत किया था। दीपावली की रात दीपकों की लौ और बिजली के छोटे बड़े बल्बों के प्रकाश से अमावस्या का अंधेरा पूरी तरह रोशनी से जगमगा उठता है। हर घर एवं हर द्वार प्रकाश से जगमगाने लगता है। पटाखों की धाएं धाएं, पटपट और तड़तड़ की ध्वनि सारे वातावरण को गुंजायमान कर देती है। लोग घर घर में लक्ष्मी गणेश का पूजन कर शुभकामनाओं का आदान प्रदान करते हैं। व्यापारी वर्ग इस दिन लक्ष्मी गणेश पूजन के साथ नए खाते भी आरंभ करते हैं। इस प्रकार दीपावली विशेष उल्लास और प्रकाश का त्योहार है जो सभी को उल्लसित कर देता है। इस पर्व पर हम वातावरण में फैले अंधकार को दीपकों के द्वारा दूर भगाते हैं। हमें इसके वास्तविक अर्थ को समझकर अपने मन के अज्ञान रूपी अंधकार को भी दूर करना चाहिए, तभी दीपावली सच्चे अर्थों में आलोक पर्व कही जा सकती है। हम अपने अंधविश्वासों, मिथ्याचारों, दरिद्रता, अस्वच्छता और कुप्रथाओं को मिटाकर ही सच्चे अर्थों में दीपावली पर्व का मनाया जाना सार्थक कर सकते हैं।